नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे। बात कर रहे हैं वर्षफल 2022 के बारे में, जो कि टैरो के नजरिए से एवं ज्योतिष के नजरिए से दोनों से ही आपके लिए लेकर आए हैं। टैरो के नजरिए से जब आप देखेंगे तो आप अपने सन साइंस पे आधारित होकर के देखेंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से अपने सन साइंस को चेक करें, और जब ज्योतिष की तरफ से आप देखें तो अपना आपने लग्न और चंद्र राशि को देखना है। आपको पर्सनल कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिखे नंबरों पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी भी नीचे लिखे, या वेबसाइट जो कि है www.nandita.pandey.biz। इस वेबसाइट में आप क्लिक करें, क्वेरी सेक्शन में जाएं जो कि शॉप टैब में है, वहाँ पे आपको बुकिंग के बहुत सारे क्वेरी के ऑप्शंस मिल जाएंगे और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपका जवाब दे सकें। पर्सनलाइज ईयरली फोरकास्ट, यानी कि आपको वार्षिक राशिफल, अपना पर्सनल वार्षिक राशिफल चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स पेमेंट बेसिस में होता है, लेकिन आपके लिए हम सारी डिटेल्स के साथ आएंगे। तो आइए देखें कैसा रहेगा वर्ष 2022 आपके लिए। 2021 काफ़ी कठिन रहा था, जैसे कि आप सभी को मालूम था, पहले भी बता चुके थे कि कोविड की महामारी रहेगी, वैसे ही हुआ, स्थितियां बनी, समय कठिन रहा। लेकिन 2022 को भी आप हल्के में ना लें, संभल करके रहें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की महामारी जो है अगर ख़त्म हो गई तो वो सैटर्न और प्लूटो जब आपस से अलग होंगे उसके पश्चात ही होगी, और वो बन के आ रही है 2023 में। गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत सुकून आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन ये ओवरऑल अगर मैं देखूं अमूमन तो ये वर्ष आपके लिए खट्टे मीठे अनुभव लेके आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और फिर आपके सामने आई हूं वार्षिक राशिफल लेके। ये राशिफल आपके सन साइंस में आधारित है, यानी कि ट्रॉपिकल वेस्टर्न सन साइंस पे आधारित टैरो से भविष्यफल। आइए बात करें वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए टैरो के नजरिए से ये राशिफल है, जो कि आपकी पाश्चात्य सन साइंस पर आधारित है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा संयम के साथ आगे बढ़ने की स्थितियां बन रही हैं। यात्राओं द्वारा अवश्य आपके लिए बहुत फायदे रहेंगे। कोई महिला आपके लिए यात्राओं में आपके लिए अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर के आ सकती हैं, या उनकी सलाह मशवरा लेकर के यात्राएं करेंगे तो वर्ष भर में सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। यह वर्ष वैसे भी महिला प्रधान वर्ष है, और इस वर्ष में महिलाओं का सहयोग आपके जीवन में उन्नति और प्रगति लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो थोड़ा सा दुविधाओं में रहेंगे, असमंजस की स्थितियां बनेंगी, थोड़ा सुरक्षा की भावना भी अग्रसर इस समय होते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा संकोच करेंगे या सोच विचार में पड़ते नजर आ रहे हैं। आर्थिक मामलों में कोई आपका अपना ही आपको धोखा दे सकता है, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत की बात करूँ तो बाहरी कारणों की वजह से थोड़ा सा बंधन दिखाई देता है मुझे, एक रिस्ट्रिक्शन एंड मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। आपको ईश्वर की आराधना करके प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, इससे आपकी सेहत में अच्छे सुधार नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध में बातचीत द्वारा स्थितियों को सुलझाएंगे तो बहुत उत्तम स्थितियां होती जाएंगे आपके लिए, और परिवार में भी जितना आप यथार्थवादी रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुख समृद्धि के योग बनेंगे। आपके लिए वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ समय लेकर के आ रहे हैं, अच्छी परिणाम लेके आ रहा है और शुभ संयोग बनाएगा। अगर हम पूरे वर्ष को क्वार्टरली बेसिस में बांट दें तो देखें कि पहली तिमाही में कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए समय। जनवरी टू मार्च क्वार्टरली में आपके लिए आर्थिक आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं या कोई नया निवेश कर रहे हैं तो हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल करें, आपके लिए शुभ परिणाम उसमें अवश्य आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जरूर नजर आ रही हैं, कुछ कष्ट हो सकते हैं, एक फ्रीडम नहीं दिखाई देती पूरे कार्य करने के लिए। और प्रेम संबंध की बात करूं तो एक रेस्टलेसनेस रहेगी, एक बेचैनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल से जून के बीच में खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में यथार्थवादी रहेंगे तो बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम आते हुए दिखाई देते हैं। जुलाई से सितंबर 2022 कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए टैरो की नज़र से, तो एक नई सोच या फिर एक नई शुरुआत आपके प्रोजेक्ट में चार चांद लगा सकती है। आपको इस तिमाही अपनी इंट्यूशन का अनुसरण कर निर्णय लेना चाहिए। कुछ नया सीखकर भी अपने प्रोजेक्ट में प्रयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
रचनात्मक प्रोजेक्ट या फिर मीडिया, फैशन, होटल आदि से संबंधित कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रेम संबंध में एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ेंगे तो समय रोमांटिक बीतेगा। आर्थिक व्यय इस्तिमाही भी अधिक हो सकते हैं एवं किसी बच्चे पर या फिर संतान पर व्यय होते नजर आ रहे हैं। विदेश यात्राओं के संयोग बन सकते हैं। इस तिमाही भाग्य भी भरपूर साथ देगा एवं यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अक्टूबर से दिसंबर 2022 कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए? इस तिमाही आपको संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्थिक धन आगमन थोड़ा धीरे धीरे होगा। आय के नए स्रोत तो खुलेंगे लेकिन धन आगमन के साथ साथ धन व्यय के भी योग बन सकते हैं। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा अन्यथा दूसरों के साथ गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप अपने निर्णय पर भरोसा कर आगे बढ़ेंगे एवं अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में प्रयासरत रहेंगे। प्रेम संबंध में अहम के टकराव बढ़ सकते हैं। भाग्य इस समय आपका साथ देगा एवं आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम रोल निभाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप आपके लिए शुभ रहेगा। श्री हरि को अष्टगंध अर्पित करें। आपके लिए गुरु का गोचर होगा आपके अष्टम स्थान पे, जो आपके लिए सेहत से संबंधित कष्ट लेके आ सकता है या संतान से संबंधित भी कुछ कष्ट लेकर के आ सकता है। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि का कुंभ राशि में जब भी गोचर होगा मई और जून के समय में, तो आपके जीवन साथी के साथ यहाँ पे अच्छे शुभ संयोग बनेंगे। इफ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल तो ये समय है जब आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी खट्टे कभी मीठे अनुभव रहेंगे पर शनि के स्ट्रांग होने से आपकी सेहत में अनुकूलता रहेगी और आप किसी भी प्रकार के कष्टों से बाहर निकलने में सक्षम रह पाएंगे। सेहत के अलावा अगर हम आप देखें तो राहु का गोचर आपका बन रहा है आपके भाग्य स्थान पे, तो छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। राहु यात्राएं कराता है लेकिन धर्म कर्म के कार्यों में अचानक से रुचि बढ़ेगी बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल ही वितृष्णा होती जाएगी, तो ऐसे भी संयोग राहु एक भाग्य स्थान पे होने से बनाता है। तो ओवरऑल स्थितियाँ जो हैं आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी भी हो सकती हैं, थोड़ा सा अच्छी भी हो सकती हैं। गर्मियों के समय में कुछ अच्छी उत्तम स्थितियां बन सकती हैं जब गुरु और शुक्र एक साथ रहेंगे। गुरु के अष्टम स्थान पे तो हैं लेकिन शुक्र वहां पे जब उच्च के हो जाएंगे तो विदेश नीति विदेशियों से भी अचानक से या गुड़ विद्वानों द्वारा भी आपके लिए फायदे होते नजर आते हैं। अगर आप रिसर्च कार्य से संबंधित हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव के साथ वर्ष 2022 सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। तो ये तो थे आपके विभिन्न राशिफल जो हमने बताए आपको टैरो के नजरिए से भी, ज्योतिष के नजरिए से भी। आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका वर्ष 2022 उत्तम रहे, बहुत सुख समृद्धि लेकर के आए। समय अभी भी कठिन है, 2022 में भी अभी कोविड जाने वाला नहीं है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, परिवार वालों की सेहत का ध्यान रखें और आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर आपको अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक प्रार्थना करवानी है अपने लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें अपने नाम के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के नाम के साथ, क्योंकि हम रोज़ मेडिटेट करते हैं और आपके लिए भी अवश्य प्रार्थना करेंगे। आपका वर्ष सुख समृद्धि लेके आए, आपके घर पर उन्नति हो, अच्छी सेहत हो, सबको सुरक्षा दे भगवान। इसी प्रार्थना के साथ अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।